हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड टू सक्सेड। आज हम बात करने वाले हैं ITBP की तरफ से जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं उसके बारे में। तो यह जो है, आपको पहले ही बता दूं, ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी क्या एज लिमिट रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो है इस वैकेंसी के ओवरव्यू के बारे में। तो आपको पता ही है कि यह वैकेंसी जो है ITBP की तरफ से, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तरफ से निकाली जा रही है। तो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब है, आप सभी को पता ही है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 248 यानी 248 वैकेंसी निकाली गई हैं। लोकेशन ऑल इंडिया, यानी आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ITBPpolice.nic.in पर। और इसका अप्लाई मोड जो होगा वो ऑनलाइन फॉर्म आपके अप्लाई किए जाएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो डेट इसमें जो है आपकी स्टार्टिंग डेट है 8/6/2022, यानी 8 जून से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। 7 जुलाई तक इसके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे, यानी आपको लगभग 1 महीना दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को, पोस्ट वाइज देख लेते हैं। तो इसमें जो है 248 यानी 248 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें जो है हेड कांस्टेबल जो मेल कैंडिडेट्स हैं डायरेक्ट एंट्री के लिए, उनकी 135 वैकेंसीज़ हैं। हेड कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 23 वैकेंसी हैं। और हेड कांस्टेबल के लिए जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उनके लिए 90 सीट रखी गई हैं। तो इसमें जो है आपकी सभी मिला के 248 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, इंटरमीडिएट यानी आप 10+2 पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस साथ में ही आपके ने जो है 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है इंग्लिश की, और 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है हिंदी की। तो जो है ये आपकी कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के और 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी के रहेंगे। अब बात करते हैं जो है इसमें आपके 30 वर्ड पर मिनट जो रहेंगे, और इसमें जो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के रहने वाले हैं, तो उसमें 10,500 KDPH यानी आपकी जो है की काउंट की जाएंगी। तो इसमें जो है हिंदी विद एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, यानी आपकी जो की होंगी उनको काउंट किया जाएगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें एज लिमिट आपकी जो रखी गई है 18 से 25 साल रखी गई है। हेड कांस्टेबल की 35 साल रखी गई है। और इसमें जो है OBC के लिए 3 साल छूट भी है, और SC ST के लिए 5 साल की भी छूट रखी गई है। बात करते हैं आपकी एज लिमिट कब से कैलकुलेट की जाएगी। तो आपकी एज लिमिट 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 तक कैलकुलेट की जाएगी। अगर तब तक आपकी एज लिमिट 18 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका PET PST करवाया जाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल लिस्ट के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये जो है आपके 5 स्टेजेस हैं लगभग। और इसमें जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें पता चलेगा कि आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा या PET PST। ये जो है प्रीवियस जो वैकेंसीज हैं उनके आधार पर बताया जा रहा है कि PET PST पहले करवाया जाएगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न में अभी क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर जो सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके वो मैं बता देता हूँ। रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेगी आपकी, और इसमें जो है इंग्लिश रहने वाली है, GS रहेगी, और कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसमें जो है आपको इन 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके।